हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि राहु और शुक्र की युति क्या फल दे सकती है। एक्चुअली जब हमें भाव का पता नहीं है, तब हमने सिर्फ ये देखना है कि शुक्र किस किस राशि का स्वामी है और शुक्र क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है और राहु के साथ उसका संबंध कैसा है। अब देखिए, राहु ऑब्सेशन है, अनफिनिश्ड डिजायर है, या एक चीज अनकंट्रोल्ड डिजायर है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको बियॉन्ड द लिमिट्स और जो बियॉन्ड द सोशल नॉर्म्स जाने के लिए कहता है। और कहते हैं कि राहु का इस कलयुग में ज़्यादा प्रभाव है, और है भी, क्यों ना हो, क्योंकि हम जो है प्रतिदिन राहु से जुड़ी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो डेफिनेटली प्रभाव तो सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप देखें तो माया जाल में हर आदमी फंसा हुआ है, डिसेप्शन, इल्यूजन में। आप देखिए सोशल मीडिया, फेसबुक और ये पता नहीं यूट्यूब, क्या कितनी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में डिसेप्शन क्रिएट करता है। तो जो शुक्र के साथ जब ये राहु मिलता है, तो क्या इफेक्ट है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कहना चाहूँगा कि राहु और वीनस का मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव है, और नेगेटिव साइड में अगर कहें तो वीनस के साथ थोड़ा सा लव अफेयर्स देना डिफरेंट कास्ट और रिलीजन की लड़की या लड़के के साथ, ठीक है, या राहु वीनस आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें राहु जो है आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए खराब माना जाता है, राहु वीनस का योग। अब राहु वीनस के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, देखिए शुक्र जो आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, आपके धन को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु जब उसके साथ युति बना लेता है तो बहु धन योग बन जाता है। ठीक है, ऐसे आदमी के पास छिपा हुआ धन, या ये कह लीजिए कि पहले क्या होता था, छिपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन मिलता था। आज की डेट में आपको पता है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है, या अनअर्न्ड इनकम, पत्नी से किसी से गिफ्ट मिलना, किसी से गड़ा हुआ धन मिलना, किसी की वसीयत मिलना, या शेयर मार्केट से ही अनएक्सपेक्टेडली आप जो गेन करते हैं, ठीक है, आपने लगाया 500, आपको मिल गया 1000, तो वो राहु वीनस की युति वाला आदमी ऐसा गेन करता है, गैम्बलर आप कह लीजिए, गैम्बलिंग से, सट्टे से ऐसा आदमी कमाता है। ठीक है, क्योंकि राहु जो है, जब काल पुरुष कुंडली का जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, वो शुक्र द्वारा गवन होती है, और वो हमारा दूसरा भाव, दूसरी राशि किसका है, धन से संबंधित, ठीक है, तो उसको वो बढ़ाता है, धन को बढ़ाता है, लेकिन पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, गायनिक इश्यूज, और आपकी वो अगर सिस्टर है तो उसको भी कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में, और कुछ ना कुछ उसको गायनिक इश्यूज देता है शुक्र राहु की युति। ठीक है, और शुक्र राहु कह लीजिए नाग है, और शुक्र जो है मणि, तो आप इसको आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा योग है, अगर आप व्हीकल से, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से आप धन कमाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसके रिजल्ट, चेंज चेंज क्या मतलब, अगर आपको रिजल्ट देखने हो तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका वृश्चिक राशि है, सॉरी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में शुक्र आपका द्वादेश हो जाता है, और आपको देखा होगा कि शुक्र और राहु की युति वाले जातक के जो गाल पर है, वो अगर एफ्लिक्टेड हो, मंगल से दृष्ट हो, मंगल के साथ हो, तो उनके गालों में जो है थोड़ा ऐसे निशान, धब्बे, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं। लेकिन अगर राहु शुक्र के अकेले की युति हो, कोई एफ्लिक्टेड ना हो, तो मोल्स हो गए चीक पे, ठीक है, कोई डार्क स्पॉट होगा, ठीक है, ऐसे वाला नहीं होगा। जैसे जो शुक्र राहु की युति के ऊपर जब नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, मंगल का दृष्टि होगी, मंगल के साथ होगा, तो थोड़ा दाग धब्बे, स्पॉट्स, ठीक है, ऐसा होता नहीं, एक धब्बे जैसे पड़ जाना, एक गड्ढे जैसे पड़ना पूरे शरीर, ठीक, गाल पे, क्योंकि वीनस गाल को रिप्रेजेंट करता है आपका, तो वो उसमें आपको देखने को मिलेगा शुक्र और राहु की युति वाले में। ठीक है, और तो मैं क्या कह रहा था कि अगर वृश्चिक लग्न में शुक्र 12वें भाव का मालिक है और सप्तम भाव का भी है, तो जब ये यहाँ युति मान लीजिए थर्ड हाउस में बनी है, राहु की युति, राहु शुक्र की युति, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये शुक्र और राहु की युति है, वृश्चिक लग्न है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं दो बना देता हूँ, तो ये सेवेंथ लॉर्ड हो जाता है शुक्र। तो अब ये राहु और शुक्र की युति क्या रिजल्ट देगी, यहाँ पर मैंने कहा कि राहु ऑब्सेशन है, 12वें भाव के साथ बैठा है, तो लव अफेयर जरूर देगा यहाँ पर, ये सीक्रेट लव अफेयर, और ये कह लीजिए कि कई बार शादी भी सीक्रेटली हो जाती है शुक्र राहु की युति वाले, ठीक है, और कुछ अनयूजल सी शादी हो जाती है, ठीक है, तो
तो अगर अगर आप ये कहें कि यहाँ अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो कि शुक्र राहु की क्या रिजल्ट देगी वृश्चिक लग्न में थर्ड हाउस में, तो ऐसा आदमी के अंदर एक ऑब्सेशन होता है ट्रैवलिंग को लेकर के, खासकर फॉरेन ट्रैवलिंग को लेकर के कि मुझे फॉरेन जाना है। तो ये फॉरेन जाने के लिए ये युति बहुत ही अच्छी है जिसकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे प्रिडिक्ट करना चाहिए। तो 12वें भाव का सप्तम भाव का लॉर्ड तीसरे में बैठा है राहु के साथ, तो फॉरेन लैंड लेकर जाएगा, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट जो कास्ट के रिलीजन के लोग हैं उनके साथ आपका लिंक बनवाएगा, यही राहु शुक्र की युति। अफेयर देगा, ठीक है, सीक्रेट अफेयर्स वहां पर जरूर होंगे। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, ठीक है, राहु आप ये कहें तो राहु शुक्र की युति मीडिया की तरफ, ठीक है, सिनेमा की तरफ, आपको कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी की तरफ आपको लेके जाएगी ये शुक्र राहु की युति। यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया में कुछ करना हो गया, ठीक है, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है आप बनाना चाहते हैं, तो शुक्र राहु की युति अगर आपके थर्ड हाउस में है तो आपके लिए अच्छा है, आप इससे धन कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे रिजल्ट देता है शुक्र राहु की युति। ठीक है, हालांकि अब मंगल के साथ अगर ये युति आ जाए तो आपको जरूर आपको थोड़ा सा ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन या जो होता है कि आपको वो एक अट्रैक्शन होता है, अफेयर आप रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वीनस फीमेल भी रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना स्वाभाविक हो जाता है जब आपकी कुंडली में शुक्र राहु की युति हो। ठीक है दोस्तों, और अगर मंगल के साथ हो तो पेशाब संबंधी या कुछ गुप्त रोग आपको जरूर देगा मंगल शुक्र राहु की युति आपकी कुंडली में। ठीक है दोस्तों, तो ये शुक्र और राहु की युति के ऊपर था, और शुक्र और राहु की युति व्हीकल के लिए अच्छा है, आपके पास अच्छी बिल्डिंग्स अच्छी वाहन हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने धन बता दिया। वाइफ का जो नेचर होगा आर्टिस्टिक नेचर होगा, टैलेंट उसके उनके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा और सुंदर होगी देखने में शुक्र राहु की युति वाला। ठीक है, और शुक्र राहु की युति वाली जो जिनकी कुंडली में है उनकी वाइफ आप कह लीजिए कि ये दिल मांगे मोर, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि क्या क्वालिटी उनकी हो सकती है वाइफ की। ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा बुरा नहीं है शुक्र राहु की युति का, तो आप इसको ज़्यादा नेगेटिव वे में मत लीजिए जब तक कि आप पूरा चार्ट ना देख लें। ये एक बेसिक सी चीज़ है कि शुक्र राहु की युति का रिजल्ट क्या हो सकता है आपकी उम्र। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का वीडियो है, लेता हूँ अलविदा। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।